वेलकम, आप देख रहे हैं टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। जम्मू आते ही मैं सबसे पहले आपको जम्मू की सबसे बड़ी पहचान पर लेकर आई हूं। मेरे पीछे आप महल देख रहे होंगे, ये आम महल नहीं है, ये महल है जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा शासक हरि सिंह का। जी हाँ, हरि सिंह, क्योंकि कश्मीर का ट्रेडिशन कल्चर थोड़ा अलग और जम्मू का अलग, और भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के काम की बात कहती है तो सबसे ज्यादा जम्मू में, और 2014 में जब चुनाव हुए थे तो जम्मू से उसको अच्छी खासी सीटें मिली थी। तो अब ये आम जनता आपको बताएगी कि आखिर जम्मू की सड़कों पर विकास की बयार बह रही है या नहीं। राजाओं का तंत्र तो चला गया, लेकिन अभी भी इनकी डायनेस्टी से जुड़े कुछ लोग हैं। चलिए जानते हैं राजा महाराजाओं से भी कि लोकतंत्र का राज आ गया है तो अब वो किसके साथ जाने को तैयार हैं। जम्मू की आन बान शान है, मेरे पीछे ये महल देखिए। पहली मर्तबा यूं मैं आई, लेकिन देखते ही दिल जीत लिया इस महल ने, और मैं इस महल से जुड़े एक खास शख्स से आपको मिलवाने जा रही हूं, जिनको सुनना बहुत जरूरी है। महल के बारे में तो वो आपको बताएंगे ही, लेकिन यहाँ की हिस्ट्री मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई बता पाएगा। हमारे साथ हैं रानी जी यहाँ की, ऋतु जी, और स्वागत है आपका। मैं जम्मू कवर कर रही थी इलेक्शंस के लिए, बट बहुत खूबसूरत है आपका पैलेस और मौका मिला मुझे देखने का। कुछ कहेंगी पैलेस के बारे में? ये एक बहुत ऐतिहासिक प्रॉपर्टी है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो यहाँ के राजा महाराजे थे, हमारे जो दादा ससुर थे, यहीं पे रहते थे और ये उनका निवास था। खास करके ये वाला स्थान पे जहाँ हम खड़े हैं, ये महाराजा हरि सिंह जी का निवास था। जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था, और इतनी तरक्की और विकास हमने अपने आंखों से देखे, खास करके पिछले 10 साल में मैंने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर 2014 जी जी मैं देखती हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनने एक विकसित भारत के लिए कहा है, और वाकई में ये विकसित भारत की ओर जा रहा है। जम्मू भी स्मार्ट सिटी भी यहाँ पे बन रहा है, और राहुल गांधी ने टारगेट किया। अब मैं कहना चाहती राजा महाराजाओं सही वक्त पे आए, क्योंकि जब मैंने उनके बयान सुना, मैं वैसे भी सोचती हूँ कि राहुल गांधी माफ करेगा, बट वो कई बार कई सारे स्टेटमेंट्स देते हैं जो मुझे लगता है उनकी पूरी पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। ही इज लीडिंग द पार्टी बट ही इज गिविंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। इट इज नॉट बिफिटिंग फॉर एनीबडी टू गिव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि हमने राजाओं महाराजों को यहाँ से भेज दिया है और आज के राजे को भी हम भेजने वाले हैं बाहर। मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आप कौन होते हो? एक धड़ा है जो ये कहता है कि आपने हमारी इज्जत छीन ली जब आपने 370 और 35 से हटाया, और एक धड़ा है यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिसने हटाया, वो ये कहती है कि हमने ये किया तभी हम विकास ला रहे हैं। कि क्या 370 हटा, 35 से हटा तो ठीक हुआ, उससे विकास हुआ? बिल्कुल, मैं इससे बहुत सहमत हूँ। मैं सोचती हूँ कि इसे हटाने से हमारी तरक्की हुई है, हम वी आर अ पार्ट ऑफ द नेशन। ये हमारे साथ में यहाँ की रानी साहिबा थी, और चलिए कश्मीर और जम्मू बहुत बड़ा है, जम्मू तो खास तौर पर आपको पूरा जम्मू दिखाते हैं। तो हरि निवास से निकालकर सबसे पहले चलिए हरि मार्केट। वहां पर बताया गया कि डिप छोले कुलचे जो होते हैं ना, वो सबसे अच्छे मिलते हैं। ये आपको ना पूरा इंडिया घूम लीजिए, कुलचा अलग मिलेगा और छोले अलग मिलेंगे, लेकिन यहाँ मामला गुरु दूसरा है। चलो पहले जायका ले लेते हैं, फिर आपको और लोगों से मिलाएंगे। हर शहर का अपना एक जायका होता है, और जम्मू में जब हम आए तो हमें लोगों ने कहा कि यहाँ पर ये डिप छोले वाले जरूर आप खाइएगा, डिप छोले कुलचे बड़े फेमस है यहाँ के। देखिए, आई लाइक ट्रेडिशनल फूड, दिस इज ट्रेडिशनल फूड, अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक फास्ट फूड, फास्ट फूड नहीं खाते, यही सब खाते हैं। yes. और बहुत अच्छा बनाते हैं, वेरी नाइस। लेकिन ये बताइए कि अब जम्मू में आपके चुनाव होने वाले हैं, सब पार्टियां ताल ठोक रही हैं, खासतौर पर बीजेपी। बीजेपी ने कहा हमने 370 और 35 से हटाया, उसके बाद विकास यहाँ बहुत तेजी से हुआ, आपकी नजर में क्या है? विकास ये कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, बाहर वालों के लिए। ठेकेदार सब बाहर से आ रहे हैं, मजदूर सब बाहर से आ रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो बेचारे बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके
उनके पास कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है। ये आइडिया कहाँ से आया कि कुलचा भी इसी में डाल देते हैं? हमारे बाप थे, पिताजी थे, ताया जी थे, चाचा जी। साल पुरानी है ये? 1953 से चल रही है। 1953 से चल रही है। लेकिन आप ये बताइए, अब आपके जम्मू में ही चुनाव है, आप सालों से जम्मू में रह रहे हैं, आपने कितना जम्मू को बदलते देखा? हाँ देखा, थोड़ा सा देखा है। विकास हुआ है? हाँ हुआ है। हुआ है। किसके टाइम पे ज्यादा हुआ है? ये मोदी के टाइम पे ही हुआ है। मोदी के टाइम 370-35 से हटा के वो कह रहे हैं कि हमने जम्मू और कश्मीर को फ्री किया ताकि यहाँ काम कर सके, ऐसा हो रहा है? नहीं। थोड़ा सा अंकल इधर हो रहा है, हो रहा है, थोड़ा इधर आ जाइए। बाहर की पब्लिक आके कर रही है, हमारे जम्मू वाले नहीं करते। जो बीजेपी कह रही है या जो एनसी कह रही है, किसके वादों में दावों में दम? मैं ज्यादा बीजेपी के वादों में दम है, बाकी में मेरा ऐसे ही लग रहा है, उनका कच्चा पक्का है। उनका मैं ये कहूँ कि उनका ना के बराबर है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सभी ये कहते हैं कि 370-35 से हटाया आपने, हमारी इज्जत हमसे छीन ली है, हमें चाहिए वापस। मैम इज्जत का क्या है, तो पहले क्या दे रहे थे वो जम्मू वालों को? कहाँ से, बाहर से, कहाँ से? आप अंकल जम्मू से हैं? यहाँ के लोग बोलना पसंद नहीं करते क्या? फिर वोट कैसे करेंगे आप लोग? वोट करते ही नहीं ना, नोटा में है। नोटा में है, कोई पसंद ही नहीं है। अच्छा, ना एनसी, ना एनसी, ना बीजेपी, क्यों ये भरोसा कैसे उठ गया आपका? करते ही काम ही नहीं करते कोई। आप अंकल क्या बताऊँ आपको कि हाँ, बीजेपी का टाइम ऐसा आ गया कि 5 किलो आटा देता है, 5,000 बिल आता है महीने का। कैसे बिल? तो बिल का बिल तो आएगा 5,000, 5 किलो महीने का आटा देते हैं तो 5,000 महीने का बिल आएगा। जो 300 दिहाड़ी लगाया, 5,000 कहाँ से देगा? अच्छा, ये दिक्कतें हैं, दिक्कतें बहुत है, दिक्कतें। गरीब आदमी मगर 5,000 रुपया अगर ना सैलरी लेगा, 5,000 बिल लेगा, बच्चे कहाँ छोड़ेगा वो? ये प्रॉब्लम बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा सा और जम्मू में आगे चलेंगे और तब तक हम भी यहाँ टेस्ट करके देखते हैं।